क्लास 8 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रीवियस क्लास में टॉपिक दिया था टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, ठीक है ना, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, फंगी क्या होती है, एल्गी क्या होती है। अब उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमने लिया है यहां पर बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया क्या है आपका स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप अपनी नेक आई से नहीं देख सकते हो। बैक्टीरिया को आपको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 0.3 टू 2.0 माइक्रोन में क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर जो बैक्टीरिया रिसर्च करी थी साइंटिस्ट ने, तो कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। और कुछ ने ये बताया कि वो उसमें दोनों के क्या होते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये नॉर्मल बात की हमने क्या होती है, यहाँ पर बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका बैक्टीरिया में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। द आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज अ कैप्सूल एंड स्लिमी कोटिंग। जो आपके बैक्टीरिया की सरफेस होती है, बाहर की जो सरफेस होती है सेल की, वो किससे बनी हुई होती है, आपकी एक स्लिमी कोटिंग से बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल यहाँ हमको क्या बता रहा है, उसके शेप के बारे में बता रहा है, जिसका शेप जो है स्लिमी कोटिंग कैप्सूल के जैसा बना होता है। ठीक है, फिर इसमें आपका लिखा हुआ है अ रिजिड बाउंड्री अराउंड द सेल इज फॉर्मड बाय अ सेल वॉल। अब इसकी सेल के बाहर एक रिजिड बाउंड्री होती है, कठोर क्या होती है, एक लेयर होती है, बाउंड्री होती है, वो किससे बनी हुई है, वो क्या कहलाती है आपकी, यहाँ पर सेल वॉल कहलाती है, बैक्टीरिया। फिर लिखा हुआ है The cytoplasm is enclosed within the cytoplasmic membrane. अब उस अगर वहां पर सेल है तो सेल वॉल के अंदर क्या होगा, आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या है आपका, वहां पे साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फिर उसमें कुछ पॉइंट्स में अलग कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट है आपका द जेनेटिक मटेरियल डज नॉट हैव एनी डिफाइनाइट शेप। जो भी आपका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। फिर सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल डिफर फ्रॉम दैट इन प्लांट। जो भी आपके बैक्टीरिया का केमिकल सब्सटेंस होता है वो कैसा रहता है, आपके प्लांट से अलग होता है। थर्ड पॉइंट पे लिखा है द बैक्टीरियल सेल वॉल लैक न्यूक्लियस। मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल में न्यूक्लियस की क्या होती है, कमी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्गी बॉडीज की एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या होती है, यहां पे कमी होती है। ठीक है, तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया के। फिर उसमें आपका लिखा हुआ नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में आपके फर्स्ट दिए हैं शेप के बेसिस पे। तो शेप के बेसिस पे आपके बैक्टीरिया होते हैं, कुछ होते हैं आपके रॉड लाइक, रॉड शेप के, कुछ होते हैं आपके स्पाइरल शेप के, कुछ होते हैं आपके स्पाइरल मींस घूमे हुए। तो ये थे आपके शेप के बेसिस पे। अब कुछ दिए हैं उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो न्यूट्रिशन आपको मालूम है हेटरोट्रॉपिक हो सकता है या ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, तो इसके बेसिस पे आपके टाइप्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास 8, थैंक यू ऑल ऑफ यू।